नमस्ते आई ग्रास्पर्स, इस सप्ताह के आई ग्रास्प समाचार कैप्सूल में आपका स्वागत है। जैसे हमारे शरीर के लिए व्यायाम जरूरी है, वैसे ही दिमाग को तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। इसलिए अच्छी पुस्तकें पढ़ने की आदत बनाए रखते हुए आगे बढ़ते हैं। इस आई ग्रास्प कैप्सूल के मुख्य आकर्षण हैं वित्त मंत्रालय द्वारा 2021-22 के लिए यूनियन बजट की घोषणा, म्यांमार में सेना ने सत्ता संभाली, स्पेस में जाने के लिए पहले निजी स्पेस क्रू के हर सदस्य ने $55 मिलियन दिए, अपनी मेट्रो परियोजना को यूवी रेस से कीटाणु मुक्त करके लखनऊ ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया, स्वीडिश कंपनी आइकिया ने जॉर्जिया में 11,000 एकड़ जंगल खरीदे ताकि उस पर विकास ना किया जा सके, देश में अनिश्चित कोविड स्थिति के बावजूद जापान के प्रधानमंत्री ने ओलंपिक्स के आयोजन का निर्णय लिया, और अंत में हमारा बेहतरीन F2 सेगमेंट। चलिए अब शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय समाचारों से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को 2021-22 के लिए यूनियन बजट की घोषणा की। काफी लंबे समय से यह परंपरा चली आ रही थी कि वित्त मंत्री बजट के सभी दस्तावेज चमड़े के एक ब्रीफ केस में लेकर आते थे। लेकिन यदि आपको याद हो आई ग्रास्पर्स, पिछले साल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस परंपरा को छोड़कर स्वदेशी रूप से बही खाता एक लाल कपड़े में लपेट कर लाई थी। लेकिन इस साल 14 बजट डॉक्यूमेंट्स वाला यूनियन बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। इस प्रकार स्वतंत्र भारत में पहली बार यूनियन बजट पूरी तरह पेपरलेस था। वित्त मंत्री ने संसद में यूनियन बजट प्रस्तुत किया। बजट में मुख्य रूप से 6 बातों पर ध्यान दिया गया। वे हैं हेल्थ एंड वेलबींग, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ एस्पिरेशनल इंडिया, ह्यूमन कैपिटल, इनोवेशन और R&D तथा मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। म्यांमार में सेना ने कू करके सत्ता संभाली। कू वह स्थिति होती है जब सेना अपने ही देश की सरकार से बलपूर्वक सत्ता अपने हाथ में ले लेती है। म्यांमार की सेना ने आन सान सू की और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड अन्य नेताओं को बंदी बनाकर सत्ता पर कब्जा कर लिया। पिछले साल नवंबर में हुए चुनावों में सूकी की पार्टी की जोरदार जीत के बाद यह कू हुआ। सेना ने इस जीत पर प्रश्न उठाते हुए कहा कि इस चुनाव में धोखाधड़ी हुई है। वहां सेना गलियों में गश्त कर रही है और रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है। एक साल के आपातकाल की घोषणा भी कर दी गई है। स्पेस में जाने का कई लोगों का सपना होता है, जिसे SpaceX पूरा कर रहा है। 3 प्राइवेट सिटीजन्स में से हर व्यक्ति SpaceX रॉकेट में स्पेस में जाने के लिए $55 मिलियन का खर्चा कर रहा है। यह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का पहला प्राइवेट ट्रिप होगा। इन तीनों को अपनी इस यात्रा से पहले 15 हफ्ते की ट्रेनिंग दी जाएगी। यदि आपके पास पैसा होता तो क्या आप भी स्पेस में जाना चाहेंगे आई ग्रास्पर्स? कंपनी एवन ने दुनिया का सबसे बड़ा ड्रोन रेवन एक्स तैयार किया है। वह स्पेस में लो अर्थ सैटेलाइट भेजेंगे। यह ड्रोन एक विशेष ऊंचाई तक अपने आप उड़ सकेगा। वहां वह एक रॉकेट लॉन्च करेगा। उस रॉकेट में कई छोटे छोटे सैटेलाइट होंगे। कंपनी का यह दावा है कि यह SpaceX जैसी कंपनियों के मुकाबले काफी सस्ता होगा। साथ ही कंपनी का यह भी कहना है कि इसके लॉन्च सिस्टम के 70% का प्रयोग दोबारा किया जाएगा। कंपनी इसे 100% तक करना चाहती है। लखनऊ मेट्रो देश की ऐसी पहली मेट्रो बन गई है जिसके कोच यूवी रेस से डिसइंफेक्ट किए जाते हैं। न्यूयॉर्क मेट्रो की तरह UPMRC यानी उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने भी अपने यात्रियों की सुरक्षा को गंभीरता से लिया और यात्रियों की सुरक्षा के लिए अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन का तरीका अपनाया।
यह सैनिटाइजेशन हर 15 मिनट बाद किया जाता है और यह सस्ता भी है। UPMRC की सफलता के बाद अन्य राज्य भी अपने मेट्रो रेल सिस्टम के लिए यह तरीका अपना सकते हैं। पिछले कुछ समय से रोबोटिक डॉग चलन में है, लेकिन उनमें से ज्यादातर डॉग हमारे और मनुष्य के सबसे अच्छे दोस्त के बीच इमोशनल कनेक्शन नहीं रख पाते हैं। लेकिन अब रोबोटिक कंपनी का मानना है कि वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से ऐसा कर सकते हैं। इनके नए रोबोट डॉग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम का प्रयोग करके यह महसूस कर सकते हैं कि उनका मालिक खुश है, उदास है या एक्साइटेड है। कुछ समय में वह यह भी महसूस कर सकते हैं कि वे मनुष्य की भावनाओं को कैसे रिस्पॉन्ड करें। एक इमोशनली सेंसिटिव डॉग एक अनोखा विचार है ना, जिसे ना तो घुमाने के लिए ले जाना पड़े और ना ही उसकी सफाई करनी पड़े। हालांकि यह तकनीक सस्ती नहीं है। कोडा के रोबोट डॉग की कीमत $45,000 से शुरू होती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि असल में हमारे फरी फ्रेंड्स को यह चिंता करने की जरूरत नहीं है कि अभी उनकी जगह कोई और ले सकता है। हम सब जानते हैं कुकी मॉन्स्टर को कुकीज बहुत पसंद है, पर हमने कभी ये नहीं सोचा था कि उसकी पसंद हमें किसी चट्टान पर मिलेगी। उसी प्रकार के पत्थर को अगाते पत्थर कहा जाता है। यह एक तरीके का चमकीला पत्थर होता है। यह वोल्केनिक रॉक की खाली जगह पर बनता है। यह खूबसूरत अगाते ब्राजील में मिला था। कलेक्टर का कहना है कि वह इसे कुछ समय तक अपने पास रखेगा और फिर म्यूजियम में दे देगा। हमारी ही तरह पृथ्वी को भी सिस्मिस्ट्री पसंद है। एक स्वीडिश होम स्टोर आइकिया ने जॉर्जिया यूएसए में 11,000 एकड़ जंगल की जमीन खरीद ली ताकि उस पर किसी तरह का भी कोई विकास न किया जा सके। लगभग 500 साल पहले यह जंगल 90 मिलियन एकड़ का था, लेकिन अब उसका 4% ही बचा है। इस स्वीडिश कंपनी ने अमेरिका के अन्य शहरों में भी जंगल की जमीन खरीदी है और उसने पूरी दुनिया के देशों में 7 मिलियन पौधे लगाए हैं। पर्यावरण के बचाव के लिए आइकिया को अभी और बहुत आगे बढ़ना है। वैज्ञानिकों को मालूम है कि पिछले कई दशकों में शार्क की प्रजातियां कम हो रही हैं, लेकिन एक नए अध्ययन से पता चलता है कि पिछले 50 सालों में इनकी संख्या बहुत कम हो गई है। जैसा कि हम सबको मालूम है कि शार्क बहुत हिंसक होती है और बहुत तेजी से तैरती है, साथ ही इनमें समझने की गजब की शक्ति होती है। उन्हें बहुत दूरी से भी समुद्र में आने वाले किसी भी तूफान का पता लग जाता है। वे अपने चारों ओर होने वाले किसी भी बाहरी आक्रमण को पहचान लेती हैं। इंटरनेशनल फिशिंग प्रेशर के कारण वे बहुत ही संवेदनशील हो गई हैं। हालांकि जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण से शार्क का जीवन खतरे में आ गया है, लेकिन बढ़ता हुआ ग्लोबल फिशिंग प्रेशर हर समुद्री शार्क प्रजाति के लिए सबसे बड़ा खतरा है। शार्क समुद्री दुनिया में शेर, चीते और भालू की तरह हैं, और वे बाकी इकोसिस्टम का संतुलन बनाए रखने में भी मदद करती हैं। समुद्र के इस हिंसक प्राणी की संख्या में कमी होने से समुद्र का हर भाग प्रभावित होगा। जापान में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलों के बावजूद जापान के प्रधानमंत्री योशीहिडे सुगा ने गर्मी के मौसम में ओलंपिक्स के आयोजन का निर्णय लिया। कोविड के कारण पिछले साल टोक्यो ओलंपिक्स का आयोजन नहीं किया गया था, लेकिन अब श्री सुगा यह मानते हैं कि इस वैश्विक महामारी पर मनुष्य की जीत के रूप में इन खेलों का आयोजन एक महत्वपूर्ण कदम होगा। ओलंपिक्स कार्यकर्ताओं को भी पूरा विश्वास है कि इन खेलों का आयोजन उसी प्रकार होगा जैसा कि जुलाई में होना था। ओलंपिक्स की वापसी के साथ ही हम यह उम्मीद करते हैं कि इस साल भारत को मिलने वाले मेडलों की संख्या बहुत अधिक होगी। वेंडी ग्लोब रेस 24,296 मील लंबी रेस है। इसे एवरेस्ट ऑफ सीज भी कहा जाता है। यह एक भीषण प्रतियोगिता है जिसमें समुद्र के बारे में सेलर्स की जानकारी के साथ साथ उनकी सहन शक्ति भी देखी जाती है।
यानिक बेस्टाविन इस साल के विजेता रहे। असल में उन्होंने तीसरी स्थान पर रहकर रेस पूरी की थी, लेकिन जजेस ने उन्हें विजेता घोषित किया क्योंकि उन्होंने लाइफ राफ्ट में फंसे अपने एक प्रतियोगी साथी को बचाने के लिए 11 घंटे का समय लगाया। तो आपने देखा है ग्रास्पर्स, केवल जीतना ही सब कुछ नहीं होता है, कभी कभी अपने प्रतियोगियों की देखभाल करना भी जरूरी होता है। आई ग्रास्पर्स, 25 साल की इस कार्यकर्ता एरादा जैर उलता से मिलिए, जो डेटेरॉइट में यूज पोटेटो चिप्स बैग से स्लीपिंग बैग्स बनाकर बेघर लोगों की मदद कर रही है। उलता ने एक वेबसाइट शुरू की है जहां वे चिप्स के पैकेट इकट्ठे करती है। उसने यह भी बताया है कि बैग की अंदर की सतह बदन की गर्मी को रिफ्लेक्ट करती है, साथ ही ये बैग ड्यूरेबल और वाटरप्रूफ है और बहुत ही हल्के होते हैं। एक स्लीपिंग बैग बनाने के लिए 150 पैकेट की जरूरत होती है। यह तो एक नई खोज है। इस सप्ताह का मुहावरा है आंखों पर पर्दा पड़ना, जिसका मतलब है भला बुरा कुछ ना समझना। पिता ने पुत्र को खूब समझाने की कोशिश की, परंतु उसकी आंखों पर तो पर्दा पड़ा है। अमेरिका के एक रॉक बैंड ने हाल ही में ओक्लाहामा में एक अनोखा परफॉर्मेंस दिया। इसमें बैंड और दर्शक दोनों ही प्रोटेक्टिव स्पेस बबल्स में थे। इस कॉन्सर्ट में 100 बबल्स थे और हर बबल में 3 लोग थे। रिपोर्टों से पता चला है कि बबल्स में स्पीकर, पंखे, पानी की बोतल और टॉवल था। बबल से बाहर आने पर सभी को फेस मास्क पहनना होता था। वो कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। बूझो तो जाने, मेरे नाम से सब डरते हैं, मेरे लिए परिश्रम करते हैं, बूझो क्या परीक्षा। भारत के 72वें गणतंत्र दिवस पर कोलकाता में बच्चों के लिए पहली बार नौकापर लाइब्रेरी की शुरुआत की गई। इस यंग रीडर्स बोट लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए 500 से भी अधिक पुस्तकें अंग्रेजी और बांग्ला भाषा में उपलब्ध होंगी। इस बोट लाइब्रेरी का उद्देश्य है कि बच्चे हुगली नदी की सैर करते हुए कोलकाता की खूबसूरती को देखें और साथ ही पुस्तकें पढ़ने का आनंद ले सकें। इस लाइब्रेरी में स्टोरी टेलिंग सेशंस, पोएट्री सेशंस, म्यूजिक और बुक लॉन्चेस के साथ साथ कई कार्यक्रमों की शुरुआत भी की जाएगी। हमने आईग्रास के समाचारों में बताया था कि कैसे कोलकाता में पिछले बाल दिवस पर लाइब्रेरी ऑन व्हील्स की शुरुआत ट्रॉम पर की गई थी। पश्चिम बंगाल की राजधानी के इस शहर की ज्ञान और संस्कृति की जड़ें बहुत गहरी हैं, है ना आईग्रास पर्स? पहचानो कौन? फॉरवर्ड खेलने वाला यह पुर्तगाली फुटबॉलर 100 से ज्यादा गोल करने वाला पहला यूरोपियन है। इन्होंने 5 बैलों द'ओर, 4 यूरोपियन गोल्डन शूज के साथ साथ और भी कई टाइटल्स जीते हैं। यह फोर्ब्स के हाईएस्ट पेड सॉकर प्लेयर बनकर अपने करियर में $1 बिलियन पाने वाले पहले फुटबॉलर हैं। जी हाँ, आपने सही पहचाना, यह क्रिस्टियानो रोनाल्डो ही है। क्या आपको मालूम है कि नेपट्यून पर एक साल पृथ्वी के 165 साल के बराबर होता है? अगर नेपट्यून पर रहने वाले किसी व्यक्ति ने अपना जन्मदिन मनाना हो तो उसे कितना इंतजार करना पड़ेगा? क्विज टाइम। पृथ्वी के कितने वर्ष बृहस्पति के एक वर्ष के बराबर हैं? अपने उत्तर contactus@igras.com पर लिख भेजिए। पिछले सप्ताह के क्विज के जवाब। समुद्र के ऊपर पाई जाने वाली सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का नाम एंडीज माउंटेन्स है। यह पर्वत श्रृंखला लगभग 4,300 मीटर लंबी है। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल आईग्रास्प द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर सेंट अगस्टिन्स डे स्कूल बैरिक पोर की मंद्रिता भट्टाचार्य को हार्दिक अभिनंदन।
यहीं पर हमारा आज का न्यूज कैप्सूल समाप्त होता है। यह जरूरी नहीं है कि हमारा हर दिन बहुत अच्छा हो, लेकिन हर दिन में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। इसलिए हमेशा आशावादी बनकर हर चीज और हर घटना में कुछ ना कुछ अच्छा देखने की कोशिश करते रहें। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। नमस्ते।